a little bit about how you feel Dairavi, the community of Dairavi, will change as the slum rehabilitation program is initiated. डेवलपमेंट तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको जितनी जगह है जो भी डेवलपमेंट का काम जो है वो तो होना चाहिए और अच्छी चीज़ है, लेकिन धराई वालों के धराई में ही बसा के देना चाहिए, जो जहाँ पे बसा हुआ है उसको वहीं पे बसाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पात्र अपात का भी मसला एक आता है, आप कौन वहाँ पे बसा है, कब लिया, क्या लिया, उसको आप मत देखिए, आप ये देखिए कि स्ट्रक्चर कब का बना हुआ है। अगर स्ट्रक्चर जो है 70 का है, 90 का है, 95 के पहले का है, 2000 का भी स्ट्रक्चर है, तो आप स्ट्रक्चर को मान्यता दीजिए, ना कि मतलब आप पर्सन को मान्यता दीजिए। और डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको जितनी जगह है उसको फ्री ऑफ कास्ट बना करके देना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारी मांग जो है कम से कम रेसिडेंस जो है 400 स्क्वायर फीट का देना चाहिए, ताकि एक फैमिली अभी बोलते सवा 200-300 देंगे, उसमें क्या एक मियां बीवी बच्चे और माँ बाप का गुजारा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कम से कम 400 स्क्वायर फीट 1 BHK हॉल रहे तो अच्छा रहेगा। और कमर्शियल का जो है जितनी जगह है उतना फ्री ऑफ कास्ट बना के दिया जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट से हमारी मांग है। What the Dharavi redevelopment is there, we like it that the Dharavi redevelopment should take place. But our demand is this, that people, those who are staying here, should be settled in Dharavi itself. They should not be driven out of Dharavi. Second thing, our demand is this, that we want at least 400 square feet carpet area, residential area. So one family with husband and wife with the children, they can stay comfortably. Second thing, about commercial, those commercial places should be given to them as it is. And say, one more thing is this, there are structures before 2000s. So now the government is saying those structures those who have got proof and all, before 2000 they have come and settled here, and if they have got the proof, we will see that they are eligible for that. But our demand is that don't see it is eligible or ineligible. See, if the structure is there, we want a structure for a structure. House for a house. If a commercial is there, whatever the area is there, that much place should be provided to the commercial people. This is our demand from the government. Do you think the government will satisfy your demands, or will the process continue as it is continuing today? बोलते सरकार आपका जो सरकार ने आपसे ये किया है, सरकार आपकी मान्यता पूरी करेगी या नहीं, क्या ये ऐसा ही चलते रहेगा, उनका कहना ये है, अभी आप जवाब दीजिए। सरकार जो है जिस तरह से मतलब कहती है कि हम 300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया देंगे, नहीं वो तो 269 मीन्स 400 जो होता है वो एक्चुअली में जो कॉस्ट है वो बिल्डअप हो जाएगा, जबकि कारपेट की मांग है। और कमर्शियल जो बोलते हैं हम कि 360 स्क्वायर फीट फ्री में देंगे, बाकी उसके ऊपर 10% काट करके कंस्ट्रक्शन चार्ज लगाएंगे। अभी बहुत से लोगों के पास कंस्ट्रक्शन चार्ज भी एटीजी क्या कंस्ट्रक्शन चार्ज होगा किसी को मालूम नहीं है, आगे चल करके भरने की ताकत है भी कि नहीं है। अब ये सब चीज़ें मतलब कि एकदम क्लियर होना चाहिए, जो भी है सब क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो करके ही काम शुरू हो, काम में कोई रुकावट डालने वाला नहीं है, जो भी हो क्लियर होके होना चाहिए काम। वॉट एवर द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अस विथ 269 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया फॉर रेसिडेंशियल एरिया, एंड अबव दैट इफ यू वॉन्ट अ बिगर रेसिडेंशियल प्लेस यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट वी डजंट नो वॉट विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट। सेकेंड थिंग दे आर सेइंग दैट 300 स्क्वायर फीट विल बी गिवन टू फ्री ऑफ चार्ज विल बी गिवन टू द कमर्शियल एरिया, and extra charges will have to pay if it is more than 300 square feet, but we don't know what is the extra charges will be, what will be the charges they will be leveling against us. We even doesn't know if these people they can afford to pay their extra charges. So our demand is this, that it government should be clear about it, what are the cost and all, and then only we can go ahead with the development. Nobody is going to stop the redevelopment, we will also be helping for redevelopment, but our demands are this, which the government should satisfy.
There is one notion that as these new high-rise apartment complexes have been built, are being built, the slum dwellers who move in will quickly sell them because they're free housing and then create new slums. Do you believe in this notion? बोलते हैं कि अभी अभी फिलहाल बैठो सलाम अलैकुम अभी फिलहाल जो चले रहा है कि जब बिल्डिंगें बनेंगी बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी तो आप क्या सोचते हैं कि जो इधर झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं वो लोग बेच के निकल जाएंगे और फिर दूसरी जगह पे कहीं झोपड़पट्टी बसाएंगे या क्या करेंगे आपका कहना क्या है आप क्या कहते हो ऐसा है कि रेसिडेंस का जहाँ तक मामला है रेसिडेंस छोड़ के कोई कहीं जाने वाले नहीं बॉम्बे छोड़ के रह गया कमर्शियल की बात कमर्शियल के लिए वो लोगों ने जो मतलब कि नॉन पोल्यूशन नॉन हैजर्ड्स दस काम नहीं होना चाहिए साफ़ सुथरा काम होना चाहिए अब यहाँ पे जो लोग प्लास्टिक के चमड़े के रेडीमेड गारमेंट के और ड्रम के कारोबार हैं साबुन के कारोबार हैं कार्गो बॉक्स वगैरह हैं ये सब काम तो डेवलपमेंट के बाद हो नहीं सकता है तो वो लोग अक्सर मोस्टली मतलब बॉम्बे के बाहर ही जाना उनको पड़ेगा क्योंकि ये सब काम होने सकता है और दूसरी चीज़ ये है कि जो रिसाइकलिंग का काम यहाँ हो रहा है पूरे बॉम्बे का कचरा जो भी है वो धारावी में आता है फिर से रिसाइकलिंग होकर के वहीं वापस जहाँ चलो वो तो वहीं वापस जाता है अगर रिसाइकलिंग का काम बंद हो जाएगा तो फिर बॉम्बे कचरा कौन उठाएगा कौन कहाँ लेके आप कौन से डंपिंग ग्राउंड में लेके जाओगे आप उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ बना के देना है कमर्शियल तो मे बी पॉसिबल है कि शिफ्ट हो सकता है बाहर लेकिन रेसिडेंस में कोई बाहर शिफ्ट नहीं होगा पीपल रेसिडेंशियल पीपल इवन इफ दे गो इन हाई राइज बिल्डिंग्स इवन इफ दे गो इन द टावर्स दे आर स्टेइंग इन बॉम्बे दे विल बी स्टेइंग इन मुंबई इटसेल्फ दे वोंट सेल इट एंड गो आउट नाउ द क्वेश्चन राइजेज अबाउट द कमर्शियल एरियाज इन कमर्शियल एरियाज वी हैव गॉट रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक देन कार्डबोर्ड इज देयर देन डिफरेंट थिंग्स आर देयर एंड द गारबेज इज द रैक पिकर दे कलेक्ट द गारबेज ऑल ओवर द बॉम्बे एंड दे कम एंड सेल इट मोस्ट प्रोबेबली द कमर्शियल पीपल दे विल हैव टू गो आउट ऑफ बॉम्बे और दे मे गो आउट ऑफ मुंबई बॉम्बे बट नॉट द रेसिडेंशियल पीपल फ्रॉम हियर बिकॉज ही सेज इफ वेन दिस रैक पिकर दे पिक अप ऑल द रैक्स फ्रॉम ऑल ओवर बॉम्बे वेयर दे आर गोइंग टू सेल ऑल दिस रैक्स एंड हु विल बी डूइंग ऑल दिस रिसाइकलिंग अलोन सो वी डोंट थिंक सो दैट वील हैव टू गो आउट ऑफ मुंबई आउट ऑफ बॉम्बे Because if they go out of Bombay, where these rag pickers will go and sell this, those rags and all those, and where they are going to create a dumping place for all these things. So mostly residential people, they won't sell it off. They will be staying in Bombay itself, and I don't think so there will be another slum coming up anywhere in Mumbai. Okay, hold on a second. Right now, with Dairavi as it is, what is it about Dairavi that makes Dairavi so special as a community? बोल रहे हैं कि धारावी में आप रहते धारावी जिस तरीके से उस धारावी को आप इतना प्यार क्यों करते आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है ऐसा है कि हमारे जो पूर्वज हैं हमारे बाप दादा जो धारावी में आए थे ये धारावी नहीं थे एक कोली से छोटा सा गांव था एक धारावी और वो लोगों ने खाड़ी जो होती है उसको पाट पाट करके इस धारावी को बनाया बसाया और 50-60 साल 70 साल से लोग यहाँ रहते चले आए हैं लोगों ने लाइट नहीं देखा यहाँ पानी नहीं देखा बिजली नहीं देखा उस वक्त से यहाँ सब रहते हैं आज तो हर चीज़ की फैसिलिटी कम मतलब मिल रही है यहाँ पे और लोगों ने अपने खानों में मच्छरों तक भी खाया यहाँ पे लाइट थी नहीं मच्छर ज़्यादा थे खाया है तो जो आदमी जहाँ साल दो साल रहता है तो उससे प्यार करता है तो हम तो 70-80 साल से हमारे लोग यहाँ से रहते चले आए हैं तो हम नहीं प्यार करेंगे कौन प्यार करेगा इस चीज़ को Now he's saying that from last generations together, our forefathers were living here from last 70 to 80 years. Previously, when the people were residing here before 60 to 70 years back, they had not seen the lights, no water, no proper streets, no roads, nothing of that sort. Now the Dharavi has been developed by our forefathers and we are the residents of Dharavi. Persons staying for a few years in one place, he starts liking for that place. Now we are the residents of this people from last 70 to 80 years. Our forefathers were here. We are the generation.